हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए हमारी खास वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की रेमेडी आपके लिए बहुत ही यूनिक होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको इस रेमेडी में एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी जिसके बारे में आप कभी नहीं सुना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए। आपके बाल जो इतनी सिल्की स्मूथ हो जाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आपका ट्रीटमेंट कराया, तब जाके आपके बाल इस तरह के हुए हैं। इस एक नुस्खे से आपको इस तरह का फायदा मिलेगा, और साथ ही साथ अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या लंबे नहीं हो रहे हैं तो वो भी दूर होगी। आजकल ये देखा गया है कि बालों का झड़ना, बाल पत्ते होना कम उम्र में ही शुरू हो जाता है, और शरीर में न्यूट्रिशन की कमी और बालों की देखभाल में लापरवाही बरतने से ही बाल बहुत जल्दी खराब होने लग जाते हैं। और कई बार ये समस्या जेनेटिक और हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी हो जाती है। इसके अलावा जो लोग रोज दवाओं का सेवन करते हैं उनके बाल समय के साथ पतले होने लग जाते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो नुस्खा है आपको इसी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन है आप उसको दबा दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई अपनी नई वीडियो डालूंगी तो आप उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक क्लीन बाउल ले लेना है, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कोई भी शैम्पू। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सनसिल्क शैम्पू ऐड कर रही हूँ। आप जो भी शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं आप वो ही इसमें ऐड कीजिए। यानी कि यहाँ पे मैं सनसिल्क यूज़ कर रही हूँ, तो आपको सनसिल्क ही इसमें ऐड करना है। आप जो भी यूज़ करते हैं वो इसके अंदर ऐड कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे दो पाउच शैम्पू के लूँगी और इस बाउल में निकाल लेना है। इसके अंदर दोनों पाउच शैम्पू के निकाल लिए हैं। अब हमें दूसरी चीज़ इसके अंदर सबसे मेन जो ऐड करनी है वो है चाय पत्ती। फ्रेंड्स, हमने जो चाय पत्ती ली है ये लगभग मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच चाय पत्ती ली है। अब इसको हमें अच्छे से क्रश कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये अच्छे से इसके अंदर क्रश हो चुकी है, तो हमें इसका एक पाउडर ही बना लेना है, जिससे कि हमारे बालों में अच्छे से लग सके, बालों की जड़ों में भी अच्छे से चली जाए। तो अब हमें इसको जो हमने शैम्पू निकाले थे इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसको आपके बालों में लगने के बाद आपके बाल इतनी सिल्की स्मूथ हो जाएंगे कि आपको बिलीव नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत महंगा ट्रीटमेंट कराया है। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें शैम्पू और चाय पत्ती बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना सारा बनके तैयार हुआ है, और ये हमारे बालों के लिए अच्छी तरह से बनके तैयार हो गया है। और अब हम इसके अंदर 2 चम्मच नारियल तेल इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। बिलीव मी फ्रेंड्स, आप इसको बस एक बार ट्राई करके देख लीजिए, आपको जो इसका रिजल्ट मिलेगा आप सभी शैम्पू भूल जाएंगे, आप सभी रेमेडीज भूल जाएंगे, सिवाय इसके कि आप इसको हमेशा के लिए अपना बना लेंगे। आपको इसका एक बार में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप जो हमेशा से अपने बाल सिल्की स्मूथ बनाना चाहते थे, लंबा करना चाहते थे, काले घने बनाना चाहते थे, या बालों का झड़ना कम करवाना चाहते थे, सब इस रेमेडी से आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी कि कुछ ऐसी रेमेडी बताइए जिससे कि हमारे बाल बहुत सिल्की स्मूथ हो जाए, और जो बहुत ही आसानी से बन जाए और हम इसे बहुत आसानी से यूज़ भी कर सकें। तो मैं इस रेमेडी को लेकर आई हूँ, जिससे आपके बाल सिल्की स्मूथ होंगे, साथ ही साथ आपके बालों का झड़ना रुक जाएगा, आपके बाल लंबे घने मोटे भी होंगे। अब मैं आपको इसे लगाने का तरीका बताती हूँ कि आपको इसे किस तरह से लगाना है। जब फ्रेंड्स आप नहाने के लिए जा रहे हो, तब आप अपने बालों को अच्छे से नॉर्मल वाटर से गीला कर लीजिए। अच्छे से आपको गीला करना है। उसके बाद जिस तरह से आप शैम्पू अपने बालों में लगाते हैं, इसी तरह से आप इसको लगा लीजिए। यानी कि आप इसके अंदर में चाय पत्ती ऐड की है, तो आप इसको थोड़ा अलग तरीके से लगाएं। नहीं, जिस तरह से आप रेगुलर में शैम्पू यूज़ करते हैं, आपको इसी तरह से इसको लगाना है अपने बालों में। लगाने के बाद 5 मिनट तक अपने फिंगर से हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए। उसके बाद आपको अपने बालों को वॉश कर लेना है अच्छे से। जब आप अपने बालों को वॉश कर लेंगे, तब आपको खुद ही महसूस होने लगेगा कि आपके बाल कितने सिल्की स्मूथ हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको जरूर यूज़ कीजिएगा, फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको इसका रिजल्ट किस तरह का मिला। वीक में आप इसको 3 बार जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेमेडी, आई होप आपको पसंद आएगी। तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के नीचे रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस नोटिफिकेशन बेल पर भी ऑन करें, ताकि जब भी मैं कोई अपनी नई वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।